सबसे बढ़िया जो भी कट्टू है, कट्टू रस छ होता है, पहला मधुर, दूसरा अम्ल, तीसरा लवण, तीसरा तिक्त, कट्टू कषाय। अब मीठा में तो मधुर समझ गए, अम्ल में आमला है वो समझ गए, लवण में पांच प्रकार का नमक वो भी समझ गए, पर कट्टू में सबसे कड़वा जो है वो मरीच है, वो त्रिकट्टू में आता है, सोंट है, पीपर है, मरीच है। और हम तिक्त की बात कर रहे हैं, तिक्त में नीम, नीम क्या है, तीता है, पर आंवला क्या है, कषाय, कसैला है, करेला क्या है, कसाय, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, खाली तिक्त जो भी कड़वा होता है उसका पत्ता को पीस के, नीम का, करेला का और गिलोय का पत्ता को पीस के वहां लगाना है, ठीक है। मतलब स्किन केयर में काम करेगा, स्किन का जहां भी होगा। इसके अलावा फिटकरी, दाढ़ी में बाल बनाते तो मैं दाढ़ी बनाते तो नाई क्या करता, पत्थर का टुकड़ा को लगा देता है, खून बन जाता, साफ भी करता है और वो सुखाता भी है। तो वही फिटकरी या सुहागा, दोनों को एक चीज पीस करके लगा देना। महिलाओं में समस्या देखा जाता सर, कार में जो जाता व्हाइट गोवा, महिलाओं को तो बर्तन का धोएगा, घर का कपड़ा धोएगा, वो काम करते हैं तो उसको ले तो क्या करेंगे, पहले तो उसको पानी से बचाना ना होगा, उसको तो समझाना बाबू ये काम नहीं करना, ठीक है। तो जिस कारण से उसको पहले रोकना है, उस बाद उसको देखेंगे, उसके बाद फिर वो नीम का लेप लगाना, बस। दवाई का जहां तक बात हुआ, जो भी कसाय है, करेला है, नीम है, उसको खिलाना और उसी को पीस के लगाना है, काम करेगा, कोई डाउट नहीं।